जो इवेंट रखा गया है बैसन होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमारे क्या है जो भी कॉलेज में से रेस्ट समर और प्लास्टिक्स होटल्स उन सबको यूज़ करके एक कुछ प्रोजेक्ट कीजिए जैसे कुछ कंसर्ट हो वो चीज़ को शो करने के लिए इवेंट इवेंट प्रैक्टिकल दिस इज मयंक सर। मयंक सर आपने क्या बनाया, कुछ बताओगे थोड़ा? ये हमारा काफ़ी इकोनॉमिक और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है जो हमने बनाया और इसमें एक हमने स्पीड ब्रेकर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ये बंडा दिया है, बायोगैस प्लांट भी है और वाटर हार्वेस्टिंग का भी सिस्टम है और इको फ्रेंडली एक हमने पार्क भी बना दिया। चलो अच्छा, तो ये क्या है? एक ये वो है हिल स्टेशन जहाँ पर सरकार ने सब कुछ तो प्रोवाइड किया हुआ है मगर उसको कभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कभी आगे नहीं बढ़ाया, बस प्लांट बना के छोड़ दिया। मैम ये क्या बनाया आपने, थोड़ा बताओ। आवर थीम इज हाउ टू परसीव आवर फ्यूचर विलेजेस। ओके, देयर इज वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके, एंड देयर इज वेल्डिंग। फ्रॉम दिस वी कैन सी द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। Actually, our model is all about the future plan cities. Okay. Like nowadays, we face so much of calamities and what all threat the citizens are having from it. So we just wanted to make it clear. All the nuclear plants we are planning, all them are in deserts. There is open vegetation there. We just wanted in between hills so that if there is any calamity, then the radiation is limited to a limited place. Similarly, we have restricted the oil reserves out of the city.